ये सुंदर सा कैफे ना आपने खोला है और इस कैफे को स्टार्ट करने के लिए आपने काफी मेहनत करी थी। अब कैफे तो स्टार्ट हो गया, बट अब आप इसमें क्या करोगे? सामान आपको सेल तो करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास एक कस्टमर आता है और ये कॉफी मांगता है। कॉफी आप बना तो देना आसान है ना? आप उसको तुरंत बना के दे दोगे। क्वेश्चन आता है कि आप ये इस कॉफी को किस प्राइस पर बेचोगे? करेक्ट, आपको ये कॉफी किस प्राइस पर बेचनी है, वहां पे आके ये सारी बात रुक जाती है। लेट्स से आप ये सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट जोड़ते हैं, राइट, जो आपको लगा कॉफी को बनाने में। ठीक है, जब आपने ये पूरा प्राइस जोड़ा, ये प्राइस आता है आपका, जो कॉस्ट आती है वो आती है 260 रुपीज। 260 रुपए की आपको कॉस्ट पड़ रही है इस कॉफी को बनाने में, राइट। आपने क्या करा, आपने इस कॉफी की कॉस्ट को कैलकुलेट करा, सारा सामान इकट्ठा करा, उसकी कॉस्ट निकाली, कितना शेफ की कॉस्ट है, कितने आप उसको सैलरी दे रहे हो, उसके बेसिस पे कॉफी पे कितना चार्ज पड़ेगा, ये सब कुछ निकालने के बाद आपकी टोटल या फाइनल कॉस्ट आती है 260 रुपए, राइट। ये जो कॉस्ट है जो आपने निकाली है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसको और डिटेल में समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7, जो कि आपका खुद का चैनल है और वन स्टॉप प्रिपरेशन चैनल है जीआईबी के लिए, सीआईबी के लिए, अदर बैंक प्रमोशनल एग्जाम के लिए। मैं हूं प्रियांशु, मैं सीनियर मेंटोर हूं ऑफिसर अड्डा 24/7 पे। आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इन जीआईबी, मैं कवर करती हूं एएफएम, यूट्यूब एज वेल एज पेड प्रोग्राम में। मेरा यूट्यूब का जो सेशन का टाइम है, दैट इज 6:30 PM। रेगुलरली मैं वहां पे क्लासेस लेती हूँ, आप मेरे सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने ऑफिसर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही में मेरा नया बैच शुरू हो रहा है 14th of March से, जहां पर मैं आपको डिटेल में कवर करवाने वाली हूँ एएफएम। बाकी जो अदर मेंटर्स हैं वो आपको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। दिस बैच इज कॉल्ड एज सिलेक्शन बैच। हमारा एक सिंपल सा मोटो है, वर्क एंड यू विल गेट वॉट यू नीड, वर्क हार्डर एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। ये बैच का जो लिंक है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप कॉमेंट सेक्शन में क्लिक करके इस बैच को में एनरोल कर सकते हैं और डिस्काउंट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड Y183, विच विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी हमने क्या करा, हमने प्रोसेस में हमने कॉस्ट निकालने की कोशिश करी। ये टेक्निक जहां पर हम कॉस्ट निकालते हैं, है ना, कॉस्ट असर्टेन करते हैं। कॉस्ट असर्टेन करना मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, फाइंड करना। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करना इज कॉल्ड एज कॉस्ट असर्टेनमेंट। ठीक है, तो ये टेक्निक जहां पे आप कॉस्ट निकाल रहे हो किसी प्रोडक्ट की, राइट, या फिर गुड्स की या फिर सर्विसेज की, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। These techniques consist of principles and rules which govern the procedure of ascertaining costing, cost of product or services. So basically, costing as a subject जो है, वो contain करता है rules, techniques, principles, guidelines, regulations, जिसकी वजह से हम product की cost को निकाल पाते हैं, चाहे वो product हो, चाहे वो service हो, हम दोनों की कॉस्ट को असर्टेन कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। जस्ट टू रिमाइंड यू, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग वो टेक्निक है, वो सब्जेक्ट है ना, जिसकी वजह से हम गुड्स और सर्विसेज की प्राइस निकाल पाते हैं, कॉस्ट निकाल पाते हैं, प्लस अपना प्रॉफिट परसेंटेज लगा के हम उसका मार्केट प्राइस भी डिटरमाइन कर पाते हैं, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज और कॉस्टिंग इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सब डिवाइड एक्सपेंडिचर एलोकेटेड एंड हेंस टू बिल्ड अप अ टोटल कॉस्ट। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग क्या था, यही है ना कि आपको कॉस्ट असर्टेन करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या होता है, वन विच आर रिलेटेड विद मनी, जो कि पैसे से रिलेटेड है, राइट, सो वन विच आर रिलेटेड विद मनी, आप उन्हें प्रॉपरली फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एनालाइज करोगे,
अपने एक्सपेंडिचर को सब डिवाइड करोगे, क्योंकि आप अपने कैफे में सिर्फ एक कॉफी थोड़ी बना रहे होगे, आप पास्ता भी बना रहे होगे, मैगी बना रहे होगे, पिज्जा बना रहे होगे, तो आपको एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है और उसके बाद एलोकेट करना है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, करेक्ट? तो यही मेन ऑब्जेक्ट है, एनालाइज करना, एक्सपेंडिचर डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद एलोकेट कर देना, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, जिसकी वजह से आप एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बना पाओ। अब आप देखो, लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, वहां पे मैंने लिखा था कि शेफ का जो सैलरी है या शेफ का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। अब ऐसा थोड़ी कि आपका शेफ पूरे महीने में या एक दिन 100 रुपए लेता है। हमने उसकी पूरी सैलरी को एलोकेट करा और बोला कि कॉफी पे जो चार्ज आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, ठीक है? नाउ आपसे ना मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अगर मैं आपको एक ऑफर दूँ कि भाई आपको गुड्स खरीदने हैं, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप क्या करोगे? सस्ता खरीदना चाहते हो या फिर आप बोलोगे नहीं, हम तो बहुत ही महंगा खरीदना चाहेंगे? क्वालिटी में मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्वालिटी सेम है। तो मैंने ये क्वेश्चन दो तीन और जनों से बोला पूछा और उनके यही आंसर थे। इन्होंने बोला बजट फ्रेंडली, इन्होंने बोला कि आई लाइक चीप थिंग्स एंड दिस पर्सन ऑल्सो सेड चीप। यानी हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें चीप प्रोडक्ट्स मिले, है ना, एट गुड क्वालिटी, करेक्ट? क्वालिटी अच्छी हो लेकिन प्राइस कम हो, चीप हो, करेक्ट? और इसी हमारी जो सोच है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग ने पकड़ा। कॉस्ट अकाउंटिंग ने बोला कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो है, मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन दी कॉस्ट, यानी कॉस्ट को निकालना, कॉस्ट को असर्टेन करना यानी निकालना। और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना, राइट? बट अगेन डू रिमेम्बर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद दी क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है यहाँ पर, मेन क्या है, आप कॉस्ट को कम करना तो चाहते हो, देखो एम क्या है, कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन कॉस्ट को कम करने के लिए आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्वालिटी एज इट इज रहेगी। अब ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम कैसे हो सकता है? ऐसी होता है, बहुत इजीली होता है। आपको यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती होती, करनी होती, बट वेस्टेज एलिमिनेट करनी होती है। जो अननेसेसरली वेस्टेज हो रही होती है ना, हम उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वेस्टेज एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरली जो राउंड्स लग रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैवल के, वो सब हम कम करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कॉस्ट को निकालना, करेक्ट, एंड दूसरा क्या हो गया, असर्टेन दी कॉस्ट, कॉस्ट को फाइंड करना, असर्टेन करना, और दूसरा रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट? तो हमने आज क्या पढ़ा है, कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट क्या है, करेक्ट? अब देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। जो कॉस्टिंग की डेफिनेशन है ना, ये टर्मिनोलॉजी सीआईएमए लंदन ने क्या डिफाइन करा है, ठीक है? तो ये डिफाइन करते हैं एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ बजट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस, एक्टिविटी और प्रोडक्ट्स, एंड द एनालिसिस ऑफ वेरियंस, प्रॉफिटेबिलिटी और द सोशल यूज ऑफ फंड्स। सो सीआईएमए लंदन जो है वो काफी फेमस इंस्टीट्यूट है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, कॉस्टिंग के लिए, और ये हेड है, राइट? आप इसको क्या बोलते हो, हेड आप बोलते हो। इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कॉस्टिंग की डेफिनेशन देने में, रूल्स बताने में, ठीक है? ये सारे रूल्स बताता है, जितने भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं सीआईएमए, वो बताएगा। तो सीआईएमए जो लंदन है, उन्होंने कॉस्टिंग को क्या डिफाइन करा, उन्होंने कहा या तो ये एक प्रोसेस है, राइट, ये एक एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे आप बजट करते हो, बजट एस्टैब्लिश करते हो, कॉस्ट निकालते हो, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कितनी होनी चाहिए, कितनी है, एक्चुअल में कितनी है, उनके बीच में एस्टैब्लिशमेंट करता है, ऑपरेशन से रिलेटेड यानी बिजनेस में जो आप गुड्स बना रहे हो उससे रिलेटेड,
प्रोसेस की कॉस्ट निकाल देता है, किसी एक्टिविटी की कॉस्ट निकालता है, पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल देता है और एनालाइज करता है वेरियंसेस क्या है, यानी डिफरेंसेस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और फंड का यूज कैसे हुआ है, राइट? तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इन कोर्सेज में एनरोल करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड प्रोग्राम्स फॉर GIB May 2023 एग्जाम, राइट? तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं, यू कैन एनरोल फॉर लाइव क्लासेस, यू कैन एनरोल फॉर वीडियो कोर्स। हमारा अभी जो लाइव बैच है वो शुरू हो रहा है 14th मार्च से, जिसका नाम है GIB सिलेक्शन बैच। वी कवर बोथ इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल, सेपरेट बैचेस आर प्रोवाइडेड फॉर इंग्लिश मीडियम एंड बाइलिंगुअल क्लासेस एंड यू विल क्लियरली फाइंड इट रिटन ओवर योर इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। सो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of March। बैच का जो लिंक है वो आपके साथ चैट में पिन है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आपको बैच का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो डू रिमेम्बर वी ऑल्सो हैव अ कम्प्लीट वीडियो कोर्स फॉर GIB एग्जाम 2023 इन इंग्लिश एज वेल एज bilingual। आप चाहे तो आप लाइव बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, आप वीडियो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। सो वी हैव टू ऑफरिंग्स, वन इज लाइव बैच जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है 14th of March से, करेक्ट? एंड दूसरा हमारा वीडियो कोर्स है। आप जब भी इसमें एनरोल करेंगे आपको तुरंत उसी दिन से क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यू कैन एनरोल इन बोथ ऑफ देम, मतलब इन एनी वन ऑफ देम। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंट, अभी अगर आप एनरोल करते हो यूजिंग द कोड Y183 जो कि एक डिस्काउंट कोड है, ठीक है, GIB लाइव बैचेस और वीडियो कोर्सेस का, तो इस कोड को यूज करने से आपको 81% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? 80% प्लस 1% के लिए आपको सिलेक्ट करने होंगे कॉइन्स जो कि आपको अड्डा 24/7 की ऐप में मिलते हैं। तो तुरंत अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके हमारे पेड असिस्टेड प्रोग्राम में ज्वाइन करें, बिकॉज 14th से शुरू हो रही है आपकी क्लास जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ AFM 9 to 10 PM। थैंक यू एवरीवन।